मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में हुई घटनाओं के दौरान दो युवकों की मौत हो गई। जिले के कोतवाली अंतर्गत ग्राम कोहकर डोंगर गवा में रात्रि 1 बजे अचानक ट्रैक्टर टैंकर पलट जाने से टैंकर चालक की मौत हो गई। मृतक के साथी ने बताया कि रोड के किनारे जियो कंपनी का काम चल रहा था, जिसमें मृतक अजीम अली नाम का युवक काम कर रहा था, जिसकी मौत हो गई है। यह युवक पश्चिम बंगाल के कटिहार जिले का रहने वाला था। वहीं रोड एक्सीडेंट के दौरान एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। वहीं जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के सामने एक और दुर्घटना होते होते बच गई। मजदूरों से भरा रेत से लोड ट्रैक्टर तेज गति से जा रहा था और अचानक पलट गया, जिसमें मजदूरों की जान किसी तरह बच गई एवं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। जबलपुर रिफर हुआ था, वहां से वापस आया दवाई कराकर, जो रास्ते में खत्म हो गया था उसका पीएम हो चुका है। और ये टेलीफोन कंपनी का केबल बिछाने का काम चल रहा तमन्नारा में, तो उसमें आजीम अंसारी है, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले, इसमें काम करते थे। तो पानी टैंकर में ला रहा था और अचानक टैंकर पलट जाने से दब गया, इसकी मौत हो गई। आज सुबह मैंने दो व्यक्ति का पीएम किया है। एक व्यक्ति जिसकी मौत कल हुई थी, जो फ्रीजर में रखा गया था, जिसका पीएम आज मैंने करीबन दोपहर 12-1 बजे किया है। और उसके पहले मैंने एक पीएम किया है, जो व्यक्ति जबलपुर से वापस आ रहा था, उसकी उस दौरान मौत थी। जहाँ पे भी निर्माण कार्य होते हैं, और एक तो जैसे रोड निर्माण कार्य तो अपन कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रिज है, पुल है, वो आज भी पुराने ही ढांचे पे बने हुए हैं, जबकि उनको नए रूप में परिवर्तित किया जाना था और उनका चौड़ीकरण किया जाना था, जिससे घटनाएं अपने आप रुकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। दूसरा, डायवर्शन कहीं पर भी नहीं बताया जाता कि रोड यहाँ से मुड़े। तो दुर्घटना का दूसरा कारण ये भी है, दूसरा कारण ये है कि जैसे रोड अच्छी बन गई तो वाहन तेज गति से चलाए जाते हैं, तो उनका भी एक संकेत होना चाहिए कि ये रोड पर इतनी स्पीड पे गाड़ी चलेगी और ये रोड पर इतनी स्पीड से गाड़ी चलेगी, तो उससे भी लापरवाही को रोका जा सकता है। और तीसरा ये है कि यदि कानून इस पर सख्ती से स्पीड कार्रवाई को देखते हुए इन पे चालानी कार्रवाई करना प्रारंभ कर दे तो भी अंकुश लगाया जा सकता है। मोटरसाइकिल से चल रहे थे, रोड एक्सीडेंट हुआ और सिर में चोट आ गई, तुरंत इनको जिला अस्पताल उमरिया रेफर किए, तो यहाँ से डॉक्टर ने रेफर कर दिया जबलपुर रेफर कर दिया। तो ये जबलपुर गए, वहाँ एक हफ्ते रहे, सुधार नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको आप वापस ले जाओ, आते ही रास्ते में ये सर। कल रात को हम लोग काम कर रहे थे तो पानी भरने जा रहा था, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आगे जाते ही सर, मतलब वो ढलान है, ढलान से आगे जाते ही सर टैंकर हमारा, जो मतलब क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है जी। तो टैंकर एक बार में मतलब ब्रेक लगा नहीं उसका, तो ब्रेक ना लगने का कारण ये हुआ है कि हमारा ट्रॉली जो टैंकर हमारा मतलब पीछे पलट गया रोड पे नीचे, ट्रैक्टर हमारा ऊपर रह गया, उसी में से लड़के दाब गए। ये आजीम शेख नाम है उसका, ठीक है जी, हमारे गांव के ही है, गांव का नाम है भीटी कटिहार, ठीक है जी, और थाना रायगंज, जिला उत्तर दिनाजपुर।